सब्सक्राइब करें सोहाइपर चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोहाइपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, स्वर्ण जयंती, राजधानी एक्सप्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखे, पूरा देखे। इस चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो के अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन जानते हैं। स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस जो गुजरात के अहमदाबाद से चलती है भारत की राजधानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक। दोस्तों, स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस लास्ट ट्रेन थी जो राजधानी ट्रेन में इंट्रोड्यूस हुई थी इन 20th century के एंड में। दोस्तों, भारत की 50वीं आज़ादी के वर्ष में ये ट्रेन शुरू हुई थी, दैट्स व्हाई इस ट्रेन का नेम स्वर्ण जयंती रखा गया था। इस ट्रेन की फर्स्ट सर्विस 1 जनवरी 1998 में हुई थी। 1997 में ये ट्रेन ओनली इंट्रोड्यूस हुई थी 15 अगस्त 1997 को 50वें गणतंत्र दिवस पर। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों से होकर ये ट्रेन चलती है। वेस्टर्न रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करता है, तो ये ट्रेन अहमदाबाद से न्यू दिल्ली तक डेली चलती है, जो टोटल 935 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है 9 स्टॉप्स लेकर 13 घंटे 45 मिनट में। दोस्तों, इस ट्रेन का नंबर 12957 12958 है, जो 12957 अप है और 12958 डाउन है। अब हम जानते हैं क्लासेस। दोस्तों, ट्रेन में 3 क्लास के कोच लगे होते हैं, जैसे AC फर्स्ट क्लास और AC 2 टायर और AC 3 टायर के कोच लगे होते हैं, जो इस प्रकार हैं। AC फर्स्ट क्लास का 1 कोच लगा होता है, AC 2 टायर के 5 कोच लगे होते हैं, AC 3 टायर क्लास के 12 कोच लगे होते हैं, पेंट्री कार का 1 कोच लगा होता है और 2 EOG कार के कोच लगे होते हैं, जो टोटल ट्रेन में 21 कोच लगे होते हैं। दोस्तों, ये ट्रेन फुल्ली LHB रैक्स में आती है, वही पेंट्री या कैटरिंग में पेंट्री, ऑनबोर्ड कैटरिंग एंड ई कैटरिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। स्पीड, ट्रेन की एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर तक होती है, वही मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर तक होती है। ट्रेन का शेड्यूल, ट्रेन नंबर 12957 अहमदाबाद न्यू दिल्ली, ये ट्रेन अहमदाबाद से एवरी डे शाम में 5:40 PM को छूटती है और अगली सुबह न्यू दिल्ली सुबह 7:30 AM को आती है। सिमिलरली, ट्रेन नंबर 12958 न्यू दिल्ली अहमदाबाद, ये ट्रेन न्यू दिल्ली से एवरी डे रात में 7:55 PM को छूटती है और अगली सुबह अहमदाबाद सुबह में 9:40 AM को पहुंचती है। दोस्तों, अहमदाबाद टू न्यू दिल्ली इंटायर रूट पर नॉन इलेक्ट्रिफाइड रेल ट्रैक है एंड 80% रेल ट्रैक सिंगल लाइन पर स्थित है। ट्रैक्शन, दोस्तों, स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस को ट्रैक्शन सिंगल डीजल लोकोमोटिव देते हैं, यूजुअली WDM 2A या WDM 3A, जो वटवा लोको सेट के लोको होते हैं वो देते हैं। वही 2009 से इस ट्रेन को ट्रैक्शन WDP 4 लोको, जो भगत की कोठी लोको सेट का होता है, वो ट्रैक्शन देता है। दोस्तों, जब से इसका रूट यानी इस रेलवे ट्रैक्स का रूट इलेक्ट्रिफिकेशन में हुआ है एकदम रिसेंटली, देन तब से इस ट्रेन को ट्रैक्शन WAP 7 लोको, जो गाजियाबाद लोको सेट का होता है, वो ट्रैक्शन देता है अप टू अजमेर फ्रॉम अजमेर जंक्शन, एंड बाकी बची यात्रा डीजल लोको से इस ट्रेन की होती है। फेयर, AC 3 टायर में बेस फेयर होता है 1279, कैटरिंग चार्ज 175, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये, 5% GST ऑन बेस फेयर 68 रुपये, मिनिमम नेट फेयर होता है 1610 रुपये, मैक्सिमम डायनेमिक फेयर भी जुड़ता है जो 512 रुपये तक होता है, उसकी GST 26 रुपये तक होती है। मैक्सिमम नेट फेयर निकल के आता है 2148 रुपये, इसका तत्काल सरचार्ज जोड़ा जाए तो 403 रुपये तक का होता है। AC 2 टायर का बेस फेयर 1841 रुपये होता है, कैटरिंग चार्ज 175 रुपये होता है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये होता है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये होता है एंड 5% GST ऑन बेस फेयर 97 होती है। मिनिमम नेट फेयर निकल के आता है 2210 रुपये प्लस मैक्सिमम डायनेमिक फेयर 921 रुपये तक होता है प्लस मैक्सिमम GST जो डायनेमिक फेयर की होती है वो 46 रुपये तक होती है, जो मैक्सिमम नेट फेयर निकल के आता है 3177 रुपये, तत्काल सरचार्ज 581 रुपये तक का होता है। इसी फर्स्ट क्लास का बेस फेयर 3174 होता है, कैटरिंग चार्ज 200 रुपये तक होता है 200 रुपये होता है,
रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये होता है, सुपर पास चार्ज 75 रुपीज़ होता है, 5% GST ऑन बेस फेयर जुड़ती है 165 रुपये, जो मिनिमम एंड मैक्सिमम नेट फेयर 3,675 रुपये तक का होता है। टाइम टेबल, सबसे पहले ट्रेन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से शाम में 5:40 PM को प्लेटफॉर्म नंबर 2 से छूटती है। ट्रेन का पहला स्टॉप साबरमती आता है, जहां ट्रेन शाम में 5:55 PM को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। दूसरा स्टॉप महसाना जंक्शन आता है, जहां ट्रेन शाम में 6:40 PM को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। तीसरा स्टॉप पालनपुर जंक्शन आता है, जहां ट्रेन रात में एग्जैक्ट 8 बजे एकदम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। चौथा स्टॉप अबू रोड आता है, जहां ट्रेन रात में 8:45 PM को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। पांचवा स्टॉप फालना आता है, जहां ट्रेन रात में 9:58 PM को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। छठवां स्टॉप अजमेर जंक्शन आता है, जहां ट्रेन रात में 12:55 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। सातवां स्टॉप जयपुर जंक्शन आता है, जहां ट्रेन रात में 2:50 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। आठवां स्टॉप गुड़गांव आता है, जहां ट्रेन सुबह 6:25 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है, 3 घंटे 25 मिनट का नॉन स्टॉप रन करके। नौवां स्टॉप दिल्ली के एंड आता है, जहां ट्रेन सुबह 6:43 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। ट्रेन का आखिरी और लास्ट स्टॉप न्यू दिल्ली आता है, जहां ट्रेन सुबह 7:30 AM को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। दोस्तों, इसमें ट्रेन के टोटल 167 इंटरमीडिएट स्टॉप्स होते हैं। इस प्रकार अहमदाबाद टू साबरमती 1 होता है, अहमदाबाद टू महसाना जंक्शन 21, महसाना जंक्शन टू पालनपुर जंक्शन 8, पालनपुर जंक्शन टू अबू रोड 7, अबू रोड तो फालना 13, फालना टू अजमेर जंक्शन 29, अजमेर जंक्शन टू जयपुर जंक्शन 22, जयपुर जंक्शन टू गुड़गांव 45, गुड़गांव टू दिल्ली कैंट 5 एंड दिल्ली कैंट टू न्यू दिल्ली 7 इंटरमीडिएट स्टॉप्स होते हैं, जो टोटल 167 इंटरमीडिएट स्टॉप्स होते हैं। इस ट्रेन की रेटिंग काफ़ी शानदार है, जैसे क्लीनलीनेस एक्सलेंट है, पंक्चुअलिटी एक्सलेंट है, फूड गुड है, टिकट अवेलेबिलिटी गुड है, रेल फैनिंग एक्सलेंट है एंड लास्ट सेफ्टी एक्सलेंट है, जो टोटल ट्रेन को 5 में से 4.6 की एक्सलेंट रेटिंग मिलती है। तो दोस्तों, ये रही सारी इन्फॉर्मेशन अहमदाबाद न्यू दिल्ली स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस की। वीडियो का अलग ही नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। इस चैनल पर अगर नए हो, एकदम नए मतलब ये वीडियो पहली बार अगर आप देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ऐसे ही रेलवे से रिलेटेड वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत